ओम शांति एवरीवन, ओम शांति सभी को। जनरली वी ऑफर भोग ऑन थर्सडेज। आमतौर पर हम गुरुवार को भोग लगाते हैं, लेकिन इस वीकेंड अलग अलग स्थानों से विजिटर्स आए थे और उन्होंने फिर बहुत सारे फल फूल लेकर आए हैं। और फिर कोई लौकिक परिवार में भी ने शरीर छोड़ा है, फरिश्ते के रूप में गए, तो आज उसका भी पूरा हुआ। गायत्री बहन भी वहां भी है शिकागो में, तो क्योंकि सब इतना सब लाए थे कि हमने सोचा बाबा को भोग स्वीकार कराए। और ये भी उस आत्मा का भाग्य कहो, क्योंकि हम आमतौर पर तो चौथे दिन या 13वें दिन पर लगाते हैं ना भोग, तो ये भी भाग्य कि आज लगाया। तो जब मैं बाबा को भोग स्वीकार करा रही थी, तो बाबा ने कहा कि ये चक्र का जो आखिरी जन्म है, इसमें जो हिसाब किताब है, ये बहुत अलग है, कैलकुलेशंस बहुत अलग है, कि हम कभी देखते हैं कि जीवन की आयु कितनी है, उसका पाठ कैसा है, उसके कर्म कैसे हैं, उस सेवा क्या की है। लेकिन वास्तव में बाबा ने कहा कि आत्मा तो यात्रा पर है 5000 वर्ष से, और इस आखिरी जन्म में फिर जो हिसाब है वो आत्मा के पाठ पर निर्धारित है। तो अभी अभी जब हमने देखा कि बहुत ही कम आयु वाला व्यक्ति उसी स्थान पर बस थोड़े ही हफ्ते पहले शिकागो से ही कार्तिक भाई ने शरीर छोड़ा, और अभी फिर थोड़ा ही समय हुआ है कि वापस कम आयु वाले आत्मा ने शरीर छोड़ा। तो बाबा से पूछ रहे थे कि इतने कम आयु वाले, इतने स्वीट, इतने जेनरस, इतने देवता जैसे, दातापन जैसे, जिसका संस्कार है, तो क्यों जा रहे हैं। बाबा ने कहा कि मेरा प्लान है उनके लिए, जैसे दादियों का पार्ट है, हम उनको एडवांस पार्टी कहते हैं, तो शायद बाबा को अलग अलग प्रकार की आत्माएं चाहिए जो स्थापना के कार्य में मददगार करेंगे। तो वो ये शरीर छोड़ रहे हैं, लेकिन वो उस फोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि हिसाब आत्मा शरीर में कितने समय है आयु के हिसाब से नहीं है, लेकिन इस चक्र में उन्होंने क्या पार्ट प्ले किया है और अभी आगे उनको क्या पार्ट प्ले करना है। तो बाबा ने कहा मैं सारे राज तो नहीं खोलूंगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमें उसे ऐसे देखना है कि उनका पार्ट जो है वो भी अनादि है, न केवल 5000 वर्ष का ये ड्रामा है, लेकिन वो आत्मा भी अनादि है। अनादि आत्मा में जब उसका आखिरी जन्म है, और या कहो उसको और आगे भी कंटिन्यू करना है। कई बार हम पूछते हैं ना कि कौन आगे जाएगा, कौन परमधाम जाएगा, कौन कंटिन्यू करेंगे, कौन राज्य में आएंगे, कैसे ये साइकिल कंटिन्यू होगी। तो बाबा कहते कई सारे राज आपको पता है, लेकिन कई अभी भी राज से है। तो आत्मा का जो पार्ट है वो चक्र में जो 5000 वर्ष है उसके हिसाब से भी है। तो सभी को आपका बाबा में विश्वास है, ड्रामा में निश्चय है, तो आप सभी को देखना है कि हर एक का क्या पार्ट है जो उसे प्ले करना है। तो मैंने बहुत बहुत स्नेह दिया भोग के साथ, और बाबा ने कहा कि आत्माएं जैसे कि बाबा के स्नेह में समाई हुई है, उनका बाबा के प्रति प्यार, वो हर आत्मा से प्यार करते और हर आत्मा उनसे प्यार करती है। तो बहुत 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 सुंदर आत्मा की ये क्वालिटी है कि बहुत उदारता मूर्त है,
जेनरस हैं, हमेशा यही सोचते हैं कि कैसे हम बाबा के यज्ञ में मददगार बने, बाबा के कार्य में क्या मदद करें। तो बहुत अच्छी अच्छी सुंदर क्वालिटीज रही है, तो बाबा उनके परिवार के लिए बहुत प्यार भेज रहे हैं। और बाबा ने कहा कि आप हिम्मत रखो और बस आगे बढ़ते रहो, और उस आत्मा की जैसे कि यहाँ पर मौजूदगी है महसूस करो, और जो भी प्यार है वो सभी के साथ बांटते रहो। तो बाबा ने बहुत प्यार दिया हम सभी को। ओम शांति।
रही है, खसा न मिला है, उसका रिटर्न आपके आगे सदा रख दे। Om Shanti. Avit signals imbibe the virtues of sweetness and humility. Those who have the virtues of sweetness and humility always bow down. The more you bow down in your sanskars and in your thoughts, so the world will bow down to you. To bow down means to make others bow down. Bow down in your sanskars too. Do not have the thought, others should also bow down a little. If I bow down, everyone will bow down. Those who are true servers will be able to do service when they bow down in front of everyone. Now, ओम शांति, वेलकम टू ओम शांति। स्वागत है सभी का अव्यक्ति परिवार में। आज है 10 अप्रैल और मन मनाभव इस सीरीज में हम देखेंगे मन की स्वच्छता। तो अब हम दीदी से सुनेंगे। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति। सभी ठीक हो? हाँ, अच्छा है। आप लोगों ने सीख लिया है ना अपने आप को सही रखना है। न केवल ठीक है लेकिन बहुत खुश है, बहुत संपन्न है, क्योंकि आत्मा के लिए तो बहुत लंबा समय है ना। शरीर के द्वारा पार्ट प्ले करना है, आत्मा शरीर के द्वारा शक्तियों को यूज करती रहती है, लेकिन उसको फिर रिचार्ज भी करना है। और इसीलिए बाबा ने हमें ये होमवर्क दिया है कि दिन में बहुत बार जितना हो सके जितना आपका ध्यान अंदर में जाए उतना अपने आप को संपन्न बनाते रहो, अपने आप को पूरा भरपूर करते रहो, अपने आप को चार्ज करते रहो। तो हम क्या करते हैं कि ये भी है आज जैसे अव्यक्त मुरली का रिविजन करते हैं, हम बस एक पॉइंट ले हर रोज अगले संडे तक। और आज बाबा ने कहा कि जो खजाने हमें मिले हैं और उन खजानों को बढ़ाने के लिए ये आवश्यक है कि उसको सही समय पर इस्तेमाल करें। अगर आप शांत स्वरूप हैं, तो जब ऐसी कोई परिस्थितियां आए, जब बहुत जैसे डिस्टर्ब कर दे आपको, या कुछ सूक्ष्म में गुस्सा आए या थोड़ा बहुत रिएक्शन निकले, तो उस समय बस मुझे शांति की जो शक्ति है उसको यूज करके शांत रहना है। कई बार ऐसी भी परिस्थितियां हो सकती है जो बहुत ही आपको चैलेंज करे, और उस समय अगर आप शक्तिशाली है, उस समय अगर आपके अंदर ताकत है, तो बस वो शांति को ही आपको डोनेट करना है। वो शांति की शक्ति आपको सभी के साथ अपने संकल्पों द्वारा, अपने कर्म द्वारा बांटना है। तो बाबा चाहते हैं कि हम अपने खजानों का इस्तेमाल करें, तो उससे हमारे खजाने बढ़ते रहेंगे। हाँ, ये अव्यक्त मुरली की पॉइंट थी ना
जो हमने सुनी और हमने पढ़ी भी आज सुबह में. हम इस स्थिति पर, मन मनाभाव की स्थिति पर अभी कई दिनों से अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि आखिर में तो मन को बाबा में लगना है ताकि आत्मा बाबा की पुकार सुन सके, समय की पुकार सुन सके. और ये देखते हुए ऐसे नहीं कि बस मैं अपना समय ऐसे ही व्यतीत कर दूं, संकल्पों के बंधन में आकर के माना कि मन जहां भी मुझे ले जाए मैं वहां चली जाऊं, नहीं, क्योंकि उसको तो फिर मन का बंधन कहेंगे ना. हर एक की अपनी एक कंफर्ट जोन है, कुछ अच्छाई अच्छी चीजें लगती है, कुछ हदें भी है. लेकिन अगर हम ज्यादा अपना समय बस अपने मन की बातें सुनने में व्यतीत करते, चाहे वो हो सकता है कि संस्कारों के बंधन में आकर या परिस्थितियों के बंधन में आकर, कोई भी बंधन हो सकता है, लेकिन बस मन की ही बातें सुनते रहेंगे तो क्या है. अगर हम मन मनाभाव की का अभ्यास कर रहे हैं तो हमारा काम है कि हम बाबा की याद में देखें कि मन में क्या क्या बंधन है और उसको छुड़ाते रहे ताकि मन फ्री हो जाए. इसीलिए हमने ये पूरा टॉपिक ऐसा लिया है मन मनाभाव का, ताकि अपने संकल्प को देख सके. क्या वो संकल्प इसीलिए क्योंकि मुझे पसंद है या कुछ व्यर्थ चल रहा है या कुछ व्यर्थ आदतें हैं, या ऐसा है कि अभी मैं बाबा को सुन रही हूँ. तो आखिर में तो बाबा हम बच्चों को, जो बाबा के बच्चे हैं, उन्हों को इशारा देते हैं कि आपको अपने जीवन में क्या करना है, आप अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ सकते हैं. तो मैं समझती हूँ कि हमने आज पूरा दिन भी अभ्यास किया, होमवर्क किया, और मैंने ये भी देखा कि जब हम मन की शांति के बारे में बात कर रहे थे तो कैसे कभी कभी बहुत सूक्ष्म में कुछ ऐसी बातें या कुछ जो हमने कभी किसी से बातचीत की है वो जैसे बहुत सूक्ष्म में अंदर में चल रहा होता है. और फिर हमें रियलाइज होता है कि ये तो मेरे संस्कारों के कारण है. और फिर जो होमवर्क हम आज ले रहे हैं वो ये कि बस अपने मन को बहुत स्वच्छ रखना है. एक है पवित्रता, माना कोई उसमें अहम न हो, कोई उसमें क्रोध न हो, कोई उसमें ग्रीड न हो. तो बाबा कहते हैं कि किसी भी प्रकार का उसमें विकार न हो, क्योंकि बहुत सूक्ष्म में कोई ना कोई प्रभाव आते हैं और प्रभावित कर जाते हैं, और फिर हमारे जो बातचीत है, व्यवहार है, वो उस प्रभाव के कारण प्रभावित हो जाते हैं. तो लेकिन हर समय अगर हम शुभ भावना, शुद्ध कामनाएं रखते हैं हर एक प्रति, हर एक के प्रति, चाहे जो भी कैसे है, वो उनका पार्ट प्ले कर रहे हैं ना. तो परमात्मा प्यार इतना पवित्र, और हम सब उस प्यार को अनुभव करते हैं, और फिर वो स्नेह, परमात्मा स्नेह सभी के साथ बांटते हैं. तो सारा दिन आज बस यही ध्यान रखना है कि कोई भी व्यर्थ संकल्प किसी के भी प्रति न चले, क्योंकि हर एक सच में अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है, वो आत्मा जैसी भी जो भी है. तो मुझे क्या करना है, मुझे अपना पार्ट प्ले करना है ना, और बस दूसरों का पार्ट देखते रहना है, साक्षी दृष्टा. पर जैसे मैंने कहा कि साफ दिल, सॉरी साफ मन, जिसमें बहुत शुद्ध भावनाएं हैं, वो शुद्ध भावनाएं बुद्धि से नहीं है लेकिन दिल से है, क्योंकि हम एक साथ यात्रा कर रहे हैं ना. तो हमें क्या करना है, यात्रा पर एक दो को मदद करना है, और मदद माना ही कि सच में एक दो के लिए बहुत शुद्ध भावनाएं हो. शुभ भावनाएं होती है तो अपने आप ही उनको जो सपोर्ट, आधार महसूस होता है वो बहुत यूनिक होता है. लेकिन साथ ही साथ ये भी, अगर मेरा दिल साफ है तो वो मुझे मदद करेगा.
जब दिल साफ है तो दिल बहुत हल्की भी होती है, और उसमें अगर किसी के प्रति कोई भी बात है या किसी परिस्थिति के कारण, कोई भूत की बातों के कारण या भविष्य की बातों को लेकर, तो वो हल्कापन अनुभव नहीं कर सकती है। और ये बहुत बहुत आवश्यक है कि हम बहुत हल्के रहे, और इसके लिए मन साफ होना बहुत जरूरी है। जितना मैं मन मनाभव की स्थिति में रहूंगी उतना ही दिल साफ होती रहेंगे, और जितना दिल साफ होगी उतना ही आप मन मनाभव की स्थिति में रहेंगे। तो ये दोनों बातें आपस में बहुत जुड़ी हुई है। बाबा की याद तो बहुत ही सहज है जब दिल आपकी साफ है, और ये बाबा की याद के द्वारा ही होता है कि दिल साफ हो जाती है। तो ये जो होमवर्क है जो हमने लिया है मन मनाभव का, तो साथ ही साथ ये भी देखना कि कौन सा गुण मन का उसे मदद कर सकता है सदा काल मन मनाभव स्थिति में रहने के लिए, कि एक पल में, एक सेकंड में बाबा से कनेक्शन फील हो, बाबा की बातें सुने। और बाबा ने आज सुबह क्या कहा कि कोई भी अगर कमजोर संकल्प आता है तो बाबा को दे दो, बाबा से शक्तियां और खुशी ले लो। और हम क्या करते हैं, बाबा को दे देते हैं और फिर अभी भी मैं खुश नहीं हूँ, अभी भी मुझे शक्तिशाली महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि बाबा दे रहा है लेकिन हम अपने संकल्पों को छोड़ना ही नहीं चाहते। हम उन्हीं संकल्पों में घूमते रहते हैं, उनको बनाए रखते हैं, लेकिन अगर मैंने उन्हें बाबा को दे दिया है तो फिर मैं क्यों वापस सोच रही हूँ। ये बहुत ही सूक्ष्म है, और मुझे लगता है कि जब से हमने ये पॉइंट सुनी है तो हम देख रहे हैं कि लेकिन मैंने तो बाबा को दे दिया ना, मैंने बाबा को कहा ना कि ये बात मुझे बॉदर कर रही है, ये बात मुझे अपसेट कर रही है, ये मुझे नहीं चाहिए, मैं आपको दे रही हूँ, तो दे दी ना आपने। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद हम फिर वैसे ही सोचने लगते हैं, तो बाबा कहता है कि मैं तो आपको उत्तर दे रहा हूँ लेकिन आप अनुभव नहीं कर रहे हैं उसका। मैं आपको शक्तियाँ दे रहा हूँ, मैं आपको खुशी लाइट दे रहा हूँ, लेकिन आप अभी भी वही पुराने संकल्प रच रहे हैं। ये बहुत ही रुचिपूर्वक बात है कि हम फिर से अगर वैसे ही सोचते रहेंगे तो हम वो अनुभव नहीं कर सकते जो मदद बाबा हमें दे रहा है। तो इसीलिए आज दिन है जो जब हम बहुत ध्यान रखें अपने होमवर्क के लिए और मन को साफ रखें, ताकि आप हल्कापन अनुभव कर सके, आप बाबा के नजदीक होने का अनुभव कर सके, और बाबा से जितना जितना सुनेंगे, क्योंकि यही तो हमें आखिर में चाहिए ना, बाबा ही हमारा सदगुरु है, तो उसे तो हमें रास्ता दिखाना है ना। मेरी जो परखने की शक्ति है जो वो वही है जो बाबा मुझे कहते हैं, ऐसे नहीं कि मैं अपने मन मेरे संकल्प मेरे मन को गवर्न करे, नहीं, बाबा की श्रीमत। तो हमारी जीवन इससे अवश्य ही बहुत हल्की हो जाएगी। बाबा कहते हैं हमें लाइट रहना है, तो ये सारे गुण जो है वो और अधिक इमर्ज होते रहेंगे। तो हम अपना होमवर्क भी करेंगे, और साथ ही साथ ये जो मधुरता और नम्रता की बात है वो भी, उस पर भी ध्यान रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मा बाबा और खासकर दादी प्रकाशमणि, उन्होंने हमेशा जब भी ओम शांति कहा, गुड मॉर्निंग कहा, जब से वो बाबा के बने, तो वो जैसे कि बहुत ही स्वाभाविक रीति से नम्रता और मधुरता है, वो झुक जाते थे, वो दूसरे क्या कर रहे हैं वो उन्हें तंग नहीं करती थी, दूसरे कह रहे नहीं कह रहे, लेकिन वो खुद औरों को ओम शांति गुड मॉर्निंग जरूर कहती थी। तो ये बहुत जरूरी है ना कि हम नम्र रहे और साथ ही साथ बहुत मधुर होकर चले। तो ये सब बातें हम अपनी बुद्धि में रखेंगे, और 24 घंटे के लिए हम ये होमवर्क करेंगे, और फिर देखेंगे कि क्या अनुभव होता है, क्या मैंने अपने अंदर धारण किया है, और उस अपने खजाने को कैसे बढ़ाया है। ओम शांति।
Om Shanti, welcome to a Vyakti Journey companion. Om Shanti, a Vyakti Journey में आज हम भगवान का साथी दादी जानकी से ज्ञान के कुछ मोती सुनेंगे. इस वारी बाबा के प्यार क्या होता है, परमात्म प्यार क्या होता है, वो अगर खींचना है ना तो अपन को आत्मा जानो, मैं आत्मा क्या हूं. तो जिसको चाहिए एक आधा घंटा लगेगा इस एक्यूरेट मैं आत्मा पर कहना छूट जाएगा, अंदर चले जाएंगे. ठीक, आधा घंटा से एक घंटा दो घंटा भी चला गया ना, वो याद रहेगा अनुभव, वो शक्ति देगा अनुभव. पर आत्मा को ये समझाया किसने? परमात्मा ने. पर परमात्मा ने खींच लिया तो मैं कहाँ गई? मैं कहाँ गई? मैं गुम हो गई. पूछे कहाँ थी? मैं तो गुम हो गई. कहां गई आत्मा? पापा के बहुत प्यार में समा गई. तो जब आत्मा पापा के प्यार में समा गई तो फिर क्या हुआ? बड़ी शक्ति आ गई. फिर क्या हुआ? अभी नो प्रॉब्लम. ये सारी शरीर से बंद दुनिया, मैं तो न्यारी बन गई अब बाबा की प्यारी. न्यारी दे संबंध दुनिया, जैसे बाबा ने आज कहा तुम कोई घर बार का संन्यास करके नहीं चले जाते हो. बाबा ने कोई घर बार का संन्यास नहीं किया. हा? जैसे महात्माएं साधु घर बार का संन्यास करते हैं तो उनका नाम बदली होता है. ये तो घर में ही था, पर शिव बाबा ने इसका नाम चेंज कर दिया. ब्रह्मा नाम रख, क्यों? ब्राह्मण पैदा होने लगे. तो पहले हम क्या बने? पहले बाबा के पास आए, शिव बाबा ने खींच लिया, ऊपर वाले ने खींच लिया. पर इसके थ्रू ऐसे खींचा जो समझा ही नहीं, शिव अलग है कोई, ये ब्रह्मा अलग है. बाबा मेरे बाबा भगवान है. बाबा भगवान और बाबा अलग है, ये कभी समझा ही नहीं था. बाबा को देखो तो लाइट लाइट दिखाई पड़े, अनुभव अच्छा होने लगे. इतना अनुभव अच्छा तो ऊपर चले गए. अभी तो बहुत मेहनत से भी याद नहीं कर सकते हैं. उन दिनों में बिना मेहनत के याद क्या करे, ऐसे बैठ गए. हमको वो दिन बड़े प्यारे लगते हैं, अच्छे याद आते हैं, जो हम यहाँ बैठी हूँ पर जो मेरे साथ है वो नहीं समझ रहे ये कहाँ रहती है बुद्धि से. वो क्या जाने मैं अंदर क्या करती हूँ, मुझे क्या चाहिए अंदर में. पर तो देखे यहाँ तो उसकी दिल नहीं लगती, ये यहाँ रहती नहीं है. पर दूर में कोई आत्मा ऐसी मेरे जैसी बाबा को याद करने वाली, बाबा के ऐसे ऐसे देखे ना, वो भी गुम हो गई, मैं भी गुम हो गई. मैं दूर बैठे कोई भी जो उनको कशिश हो जाएंगी,
जिसको आज कहते हैं साइलेंस में बैठो, ये करो वो करो, और साइलेंस ऐसी जो सन्नाटा, जैसे कोई शरीर छोड़ता है ना, तो उस सन्नाटे सन्नाटे कुछ समझ में नहीं, वो दुख हो जाता है सन्नाटे में। ये अंदर सन्नाटे में अति शांति, मीठी शांति का अनुभव होता है, जो खींच होती है। मैं कहा तो मैं शब्द नहीं है, शांत। वहां हैदराबाद में कोई भाई था, थोड़ा थोड़ा समय ज्ञान में आया है, कहा मैं एक बात की बात पूछता हूं आपसे। बहुत श्रद्धा जी था, गुरवाणी तो बहुत अच्छी पड़ी हुई थी, अच्छा आर्य प्रसन्न नहीं था। कहा अभी जब से बाबा का बना हूं, मेरे नैनों में बाबा के लिए बड़े प्यार के घरी घरी आंसू क्यों आते हैं, उसी घरी भी आ रहे थे। आपने देखा ना सिरदार जी जो आप लोगों के बाजू बैठा था, पीछे बिठाया था, बड़ा प्यारा से अनुभव पूछा बताया मुझे। ये तो बता, दो तीन बारी वहां मिला, मैं घड़ी घड़ी पूछता हूं अपन को, बाबा कहने से ही मेरे को ये आंसू आ जाते हैं ना, आंसू क्यों आते हैं। तो मैंने कहा, क्या जवाब दिया होगा, आपके भी आने चाहिए आंसू, जब तक नहीं आए हैं तब पिघले नहीं है। अंदर से मैंने कहा, मैंने भी बहुत आंसू बहाए थे पहले, जब पहले बाबा मिला ना, तो इतना प्यार के घड़ी घड़ी आंसू आए। मैंने बाबा को कहा, बाबा मेरे को, वैसे आप बहुत अच्छे हो, आप हमको क्यों यहाँ छोड़ दिया, परमधाम में क्यों बैठ गए, ऐसे कह के आंसू आते थे। आपको पता नहीं पर आप कितने भटक गए, आपके वो कितना ढूंढा, पर ऐसे कह के फिर रोना आता था। फिर आप कहते हो कल पहले भी ऐसे हुआ था, पर कलप पर कैसे करेंगे बाप, बाबा कलप कलप हम आपसे बिछड़ेंगे। पर हम ऐसे, मैं रावण के ऐसे तो बाबा पतित तो नहीं बनी, ऐसी पापन तो नहीं बनी, लेकिन रावण के राज्य में हमको क्यों फेंक दिया, ऐसे कहते थोड़ा थोड़ा आसो। तो बाबा ने बड़ा धीरे दिया, बड़ा प्यार दिया, बड़ा प्यार दिया बच्चे। तो मैंने कहा आपको भी तभी इतनी गुरबानी पनी, इतना ये किया, इतना परंतु इतना जो सुख मिला है, शांति मिली है, इस प्रेम में आपको ये आएंगे जरूर, आना चाहिए। वो प्रेम फिर उसने महसूस किया, मेरे प्रेम के आंसू ऐसे गिरते नहीं है, ऐसे जो पोछने पड़े, दुख के आंसू गिरते हैं, छिपाने पड़ते हैं, कोई देखे नहीं मेरे आंसू को, ये आंसू भले कोई देखे, चेहरा चमकता है, प्रभु प्यार में होता है। ये प्रभु का प्यार पिघलाने वाला, सुख शांति में संपन्न बनाने वाला है, और दुख शांति को खत्म करने वाला है। चलते चलते मुझे बाबा मिल गया है, मुझे बाबा मिल गया है, मेरे साथ चलते चलते, मेरे साथ चलते चलते, वही गीता बस गई है, वही गीता बस गई है, मेरा भाग्य बनते बनते, मेरा भाग्य बनते बनते। कभी हम अपने
अक्षता एंड सिस्टर कृष्णा, सो टुडेस दो फरिश्तों को बुलाएंगे, अक्षिता बहन, सो वेलकम एंजल्स, एक दूसरी बहन है अक्षता और कृष्णा बहन। ओम शांति डिवाइन फैमिली, आई होप यू ऑल आर हैविंग अ पावरफुल टाइम इन मन मन अभाव। ओम शांति परिवार, मुझे यकीन है कि आपको बहुत सुंदर पावरफुल अनुभव हो रहा है मन मनाभव में। ओम शांति भूमि दीदी, और मुझे लगता है कि आप सबको बहुत सुंदर अनुभव हो रहा है। तो कृष्णा बहन हमारे साथ है, कृष्णा बहन आप हमारे साथ ये शेयर करना चाहेंगे कि आपका अनुभव कैसा रहा मन मनाभव की सीरीज के साथ, और आपका आज दिन में आपने क्या प्रैक्टिस किया? Ever since मन मनाभव सीरीज स्टार्टेड, जब से मन मनाभव सीरीज स्टार्ट हुआ है तो हर दिन मैंने बहुत सुंदर अनुभव किए हैं। जो अनुभव दीदी हमारे साथ शेयर करती है मैं उसे एक पाठ की तरह लेती हूँ ताकि मैं उसे अपने जीवन में उतार सकूँ और उसका अभ्यास कर सकूँ दिन भर में। तो दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपका अनुभव जैसे मेरे लिए एक लेसन बन रहा है। तो आज के होमवर्क के प्रति आज मैं कुछ ऐसे ही रेगुलर सेवा कर रही थी, और जब सेवा पूरी हुई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा और अच्छा कर सकती थी, लेकिन जैसे ही वो संकल्प मेरे मन में आया तो मैंने सोचा कि जो होमवर्क मिला है वो अचानक मुझे याद आ गया कि मैं ट्रस्टी हूँ। तो अभी तो मेरा टास्क पूरा हो गया, तो अब मुझे इस बंधन को तोड़कर जैसे बाबा के घर जाना है। तो जब ये संकल्प आया तो मैंने सब कुछ छोड़ा और मैं घर उड़कर चली गई, और बाबा के साथ मुझे बहुत जैसे खुशी का अनुभव हुआ, बहुत हल्कापन का अनुभव हुआ, और मुझे ये संतुष्टता हुई कि मैंने जो किया वो किया, मैं एक ट्रस्टी हूँ और अब मैं एक आत्मा हूँ बाबा के साथ घर में रह रही हूँ। That was such a wonderful sharing, Sister Krishna. बहुत ही सुंदर अनुभव था कृष्णा बहन का। तो क्या आप ये बताना चाहेंगे कि आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, या कोई आपके पास कोई युक्ति है जो आपने अनुभव की या जो आपने अभ्यास की है इस मन मनाभव सीरीज के समय? हर रोज सुबह में जब भी मैं उठती हूँ तो बाबा और मैं इस शरीर में प्रवेश करते हैं, और अब जैसे कि दिन शुरुआत हो गया है तो इस शरीर का आधार लेकर चलो कुछ सेवा करते हैं। तो मैं घर से ही काम कर रही हूँ, और जब भी मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ अपना लौकिक जॉब, तो मैं बाबा से बात करती हूँ और बाबा उस समय पर मेरे बॉस बन जाते हैं। और जब भी दीदी शेयर करती है वो अनुभव कि हर संबंध बाबा के साथ निभाओ, तो ये मेरी प्रैक्टिस रही है कई कुछ समय तक कि हर रोज मैं देखती हूँ बाबा मेरा बॉस है और मैं बाबा की असिस्टेंट हूँ और मैं बाबा के लिए कार्य कर रही हूँ। तो मैं बाबा को पूछती हूँ कि बाबा आज मेरा कार्य क्या है, और बाबा मुझे कहते हैं कि आपको ये करना है, ये करना है। तो मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ता कि मुझे क्या करना है, बाबा है मेरे बॉस की तरह मुझे गाइड करते रहते कि मुझे क्या करना है। तो इस तरह से मैं बाबा के साथ हूँ और मैं बाबा से हर समय बात करती रहती हूँ, सारा दिन बाबा के साथ ही व्यतीत करती हूँ। और जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं बाबा को मास्टर शेफ बनाती हूँ, और बाबा मुझे बताते हैं कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कौन से इंग्रीडियंट्स मुझे यूज करना है। तो मैं बाबा के साथ का बहुत अनुभव करती हूँ। अगर मैं फिजिकली भी अकेली हूँ तो मुझे कभी अकेलापन नहीं लगता है, क्योंकि बाबा हमेशा ही मेरे साथ है। तो बाबा मेरे दोस्त भी है, मेरे पिता भी है, मेरे टीचर भी है, मेरे बॉस भी है, और ये जो अभ्यास है ये बहुत बहुत मेरे लिए फायदेमंद रहा है, क्योंकि इस अभ्यास के द्वारा मेरी चढ़ती कला का मैंने अनुभव किया है। बहुत अभी कुछ ही समय पहले मैं एक मीटिंग में थी, और मेरे लौकिक बॉस जो है वो बहुत अनुभवी है, तो कुछ परिस्थिति आई और बाबा ने जैसे शरीर का आधार मुझे कुछ आइडिया सुझाई मैंने, तो सभी को बहुत अच्छी लगाई। तो जब मेरे बॉस के साथ मैंने वन ऑन वन मीटिंग की, जब भी आप कुछ बांटते हो तो मुझे इतना सैटिस्फाइड, मुझे इतना संतुष्ट लगता है, मुझे इतना शांत
शक्ति का अनुभव होता है. तो मैंने सोचा कि बाबा जब भी कोई मीटिंग होती है तो बाबा जैसे शांति सागर बनकर शांति की किरणें हर एक आत्मा तक भेजते रहते हैं मेरे द्वारा. और मुझे चाहे उनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन उनको वो वाइब्रेशंस अनुभव होती है और उन्हें बहुत खुशी होती है. तो ये मेरी युक्ति है कि मैं बाबा के साथ रहती हूँ और हर संबंध बाबा के साथ निभाती हूँ. बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत प्रैक्टिकली हम इसको शेयर कर सकते हैं. क्या आप आज की पॉइंट शेयर करेंगे मन मना भव की? मन मना भव, क्लीनलीनेस ऑफ द माइंड. इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ इम्प्योर थॉट इन योर माइंड ड्यूरिंग द डे, इट कैनॉट बी कंप्लीट क्लीनलीनेस. सो कॉन्स्टेंटली have the awareness of the mantra of man mana bhava. This is known as cleanliness and purity of the mind. If the mind wanders to anyone else, that wandering means that there isn't cleanliness. Check in this way and see to what percentage you have imbibed cleanliness. Om Shanti. Man Mana Bhava, cleanliness of the mind. If there is any type of impure thought in your mind during the day, it cannot be called complete cleanliness. So constantly have the awareness of the mantra of Man Mana Bhava. This is known as cleanliness and purity of the mind. If the mind wanders to anyone else, that wandering means that there isn't cleanliness. Check in this way and see to what percentage you have imbibed cleanliness. मन मना भव, मन की स्वच्छता. सारे दिन में किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प मन में चला तो इसको संपूर्ण स्वच्छता नहीं कहेंगे. मन मना भव, इस मंत्र की सदा स्मृति रहे. इसको कहते हैं
मन की स्वच्छता व पवित्रता और किसी तरफ भी मन भटकता है तो भटकना अर्थात अस्वच्छता। इसी विधि से चेक करो कि कितनी परसेंट में स्वच्छता धारण हुई। ओम शांति।